हेलो फ्रेंड्स, मैं काजल मंडल करियर फाउंडेशन में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज आप सभी के लिए परसेंटेज का थर्ड क्लास और बेसिक का लास्ट क्लास है। और आज का क्लास बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से स्टार्ट होगा आपका परसेंटेज का सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जिससे आप पूरा चैप्टर पर कमांड करेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, है ना, फर्स्ट क्वेश्चन। आज थोड़ा सा लंबा रहेगा ताकि आपका ये टॉपिक को कंप्लीट कर पाए, बेसिक पार्ट को, है ना। देखिए, कहता है यहां पर बोला गया है कि एक्स वाई का 8 गुना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक्स वाई का 8 गुना है। तो बोला गया है पहला क्वेश्चन कि y x से कितना प्रतिशत कम है। देखिए, यहां पर 4 पॉइंट का बात करेंगे। ये 4 पॉइंट को अगर अच्छे से पकड़ बना लिए ना, तो परसेंटेज में कभी कंफ्यूजन नहीं आएगा, है ना। तो देखिए, बोला गया x y का 8 गुना है ना। x y का x है और y है, तो x y का 8 गुना है, मतलब ये अगर एक होगा तो ये 8 होगा। ये अनुपात दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब बोला गया है, पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है कि y x से कितना प्रतिशत कम है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कितना कम है। तो कम कितना है? तो देखिए, y जो है x से कितना कम है? 7 कम है, यानी 7 कम है। तो कितना में से x से पूछा है, तो जिसमें से लग जाएगा या जिसमें का लग जाएगा उसको नीचे रखेंगे। ये अपना दिमाग में एक सेट कर लीजिएगा। तो यहां पर x से कंपेयर कर रहा है, तो x का वैल्यू यहां पर 8 है। तो यानी y जो है x से कितना प्रतिशत कम है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कितना कम है। तो 7 कम है ना, y जो है x से 7 कम है। किससे कम है? x से कम है। x का वैल्यू 8% में लाने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो इक्वल टू सॉल्व करेंगे तो 700 बट्टा 8, 8 7 8 8 64, 6 0 8 7 56 पॉइंट, इतना प्रतिशत कम है। कौन? y जो है x से 87.5% कम है ना। ये बिल्कुल बेसिक पार्ट का था क्वेश्चन, और ये इतना इंपॉर्टेंट है ना, वो आगे जाकर पता चलेगा जब आप कभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए, अब दूसरा पॉइंट का बात करते हैं, है ना। बोला गया x y से कितना प्रतिशत अधिक है। यहां पर था कि y x से कम कितना प्रतिशत था, यहां पर क्या है ना, x y से कितना प्रतिशत अधिक है। तो यहां पर देखिए, x जो है, अब बात करते हैं यहां पर, है ना, x जो है y से कितना अधिक है? तो 7 अधिक है। 7 अधिक है तो किससे अधिक है? तो y से अधिक है। हम अभी बात किए ना, जिसके साथ से लग जाएगा उसको नीचे रखेंगे, तो y से, y का वैल्यू कितना है? 1 1, और परसेंट में लाने के लिए 100 से गुना, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो 700% होगा। यानी y जो है x, सॉरी x जो है y से कितना प्रतिशत अधिक है? तो 700% अधिक है, ठीक है। चलिए, अब देखिए इसके नीचे यहां पर देखिए, फिर ये उतार लीजिए पहले, उसके बाद फिर आपके लिए मैं ले आता हूं, ताकि आपके लिए क्वेश्चन देखने में सुविधा हो। देखिए वही चीज है ना, वही चीज है। यहां पर देखिए, x और y था, 8:1 था। सी क्वेश्चन, जो थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक्स वाई का कितना प्रतिशत है। यहां पर अधिक कम बात नहीं कर रहा है। लास्ट टू क्वेश्चन जो था उसमें कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत अधिक है। यहां पर बोला गया है कि एक्स वाई का कितना प्रतिशत है, तो एक्स का वैल्यू कितना है? 8 है ना। k
किसका? वाई का, जिसके साथ का लग जाएगा उसको नीचे लिखते हैं, का या से रहेगा तो वाई का बोला गया है, तो वाई का वैल्यू कितना है? 1। लास्ट 2 पॉइंट जो किए वहां पर, कितना प्रतिशत अधिक है और कितना प्रतिशत कम है, तो कितना अधिक और कितना कम है यहां पर लिख रहे थे कि यहां पर x जो है इससे 7 अधिक है और y इससे 7 कम है, लेकिन यहां पर अधिक कम का बात नहीं कर रहा है, यहां पूरा का पूरा बात कर रहा है कि x y का कितना प्रतिशत है। तो x y का कितना प्रतिशत, तो कितना x का वैल्यू 8, किसका y का, परसेंट मिलाने के लिए 100 से गुना यानी 800% है ना, इसका आंसर होगा डी। चलिए अब देखिए बोला गया y x का कितना प्रतिशत है, तो y अगर d पॉइंट को बात करते हैं तो y x का कितना प्रतिशत है, तो y कितना है? 1। किसका? x का। y जो बोला गया है x का बोला है, तो x के साथ का लगा हुआ है, तो x का वैल्यू कितना है? 8 इंटू 100 इक्वल टू यहां पर 18 यानी 12.5% है, यानी y x का कितना परसेंट है, तो 12.5% यानी ऑप्शन नंबर डी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इतना इंपॉर्टेंट है ये 4 पॉइंट, क्योंकि इसी से पूरा परसेंटेज पर आप बेहतरीन कमांड कर सकते हैं। हर क्वेश्चन पे इसी टाइप से आपको कंफ्यूज करने के लिए कुछ भी घुमाया जा सकता है। चलिए ये बेसिक चीज को समझ गए। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये देखिए 7। चलिए देखते हैं, थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, देखिए बीच में जो कुछ क्वेश्चन छूट गया या छोड़ा गया है ताकि आप खुद से बनाएं, और आपका इसका जो पीडीएफ मिला है 21 पेज का, उसके लास्ट में आंसर शीट दिया हुआ है, आप बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, आंसर शीट देखिए, फिर अगर कोई डाउट होगा तो डिस्कशन ग्रुप में मैसेज कीजिएगा। यहां बोलता है ए की आई बी से 40% कम है, तो बी की आई ए से कितना प्रतिशत अधिक है पूछा है ना। तो देखिए यहां पर अगर बोला गया ए की आई बी से 40% कम है, तो यहां पे इसको बनाएंगे कैसे, तो देखिए ए है और बी है, तो ए की आई बी से 40% कम है, मतलब अगर ये 100 है तो ये 60 होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए की आई बी से 40% कम है, बी से 40% कम है ना, 40% कम है, तो ये अगर 100 होगा तो इससे 40% कम है, तो 60 होगा। अब बोला गया है ना कि B की आई A से कितना प्रतिशत अधिक है, अभी थोड़ा देर पहले आपको सिखाए ना, वही चीज को यूज करना है, तो B की आई A से कितना प्रतिशत अधिक है, तो पहले ये देखेंगे कि B A से कितना अधिक है, तो B जो है A से कितना अधिक है, तो 40 अधिक है। अब किससे? A से पूछा है ना, तो B 40 अधिक है किससे? A से, तो 40 यहां पर 60 होगा, ए का 60 है, परसेंट में लाने के लिए 100 से गुना है ना, 20 दुने 40, 20 या 60, 200/3 आ रहा है ना। एक चीज याद रखिएगा, 1/3 जब 100 को हम लोग 3 से डिवाइड करते हैं तो आता है 33.33%, यहां पे 200 को 3 से डिवाइड करेंगे तो इसका डबल है ना, तो ये भी डबल होगा यानी 66.66% होगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये वैल्यू बहुत जगह आता है, डायरेक्ट लिखिएगा, डिवाइड करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो देखिए यहां पर क्या हो रहा है, 66.67% आंसर होगा। तो लास्ट क्वेश्चन का जो क्वेश्चन मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर कराया उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन था, और ये आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है, बी की आई ए से कितना प्रतिशत अधिक है, तो बी की आई कितना अधिक है, 40 अधिक है, किससे? ए से, तो जिसमें से लग जाता है का लग जाता है नीचे लिखते हैं, नीचे लिखे हैं 60, जिसको बोला जाता है बी को बोला जा रहा था इसलिए बी को ऊपर लिखे, लेकिन यहां पर अधिक कम का बात कर रहा था इसलिए 100 ना लिख कर के कितना अधिक है वो लिखे। चलिए समझ गए ये बात। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन रहा आपके पास
देखिए बोला गया है कि x की आई y की आई से 20% अधिक है, तो y की आई x की आई से कितने प्रतिशत कम है ना। फिर देखिए यहां पर वही चीज, यहां पर फिर से क्वेश्चन आया है, आपके लिए प्रैक्टिस करा दूं थोड़ा। x और y है, बोलता है x की आई y की आई से 20% अधिक है, मतलब ये अगर 100 है और इससे अगर ये 20% अधिक है तो ये 120 होगा, है ना। y की आई x की आई से कितने प्रतिशत कम है, y की आई x की आई से कितना प्रतिशत कम है, तो कितना कम है, 20 कम है, किससे कम है, 120 से। परसेंट में लाने के लिए 100 से गुना, है ना, 0 0 कैंसिल, 2 से 2 6 के 12, 100 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, है ना, तो 6 से 6 कम 6, फिर 4 0 40, तो 6 6 36, है ना, तो 16 पूर्णांक 4/6 आएगा। तो ये देखिए 2 2 4 दो तीन अच्छे कट जा रहा ना, यानी 16.2/3% कम है ना, कम है, तो आंसर होगा बी। ठीक है, ये सब क्वेश्चन को सीखना है, यही आपको बिल्ड करेगा और आपको कॉन्फिडेंस डेवलप कराएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब आपके लिए क्वेश्चन रहेगा, ये क्वेश्चन देखिए, एक 4 नंबर क्वेश्चन जो था, ये क्वेश्चन इसी का है, थोड़ा सा ये छूट गया था। बोलता यदि किसी गांव में स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या का 90% हो, किसी गांव में स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या की 90% हो, तो पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या का कितना प्रतिशत होगा, है ना। सॉरी, अब देखिए यहां पर इसको बनाएंगे कैसे, क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे। तो यहां पर देखिए, यहां पर फीमेल है और मेल है, है ना, यहां पे किसी स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या का 90%, पुरुषों की संख्या अगर 100% है तो इसका ये 90% है, ये क्वेश्चन पे दिया हुआ है। तो पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या का कितना प्रतिशत होगा, यहां पे अधिक कम बात का नहीं कर रहा है, इसलिए अधिक का और कम नहीं करेंगे, डायरेक्ट बोला जा रहा है कि पुरुषों की संख्या 100, महिलाओं की संख्या 90, जिसके साथ का लग जाएगा नीचे, परसेंट मिलाने के लिए 100 से गुना, यानी यहां पर हो जाएगा 100 काटेंगे, 1000 डिवाइडेड बाय 9, इसको सॉल्व करेंगे तो 9 एकम 9, फिर 10 9 एकम 9, फिर 111 होगा, है ना, तो यहां पर 9 एकम 9, है ना, फिर 109 एकम 9, फिर 109 एकम 9, 111 पूर्णांक 1/9% है ना, तो ये आपका आंसर होगा। चलिए उम्मीद करेंगे फ्रेंड्स आपको ये समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। है ना, तो देखिए ये जो फर्स्ट टाइप था इसमें एक और क्वेश्चन है इसमें, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 जो है, ये बेसिक 4 है, ठीक है, ये बेसिक 4 का ही 9 नंबर क्वेश्चन है। कहता है कि C की आई B की आई से 20% अधिक है, C की आई B की आई से 20% अधिक है, और B की आई A की आई से 25% अधिक है ना, तो C की आई A की आई से कितने प्रतिशत अधिक है। अभी तक हम 2 पे कंपेयर कर रहे थे, है ना, अब हम लोग सीखेंगे कि 3 पे कैसे कंपेयर करेंगे, है ना। एक मिनट फ्रेंड्स, चलिए अब देखिए यहां पर हम लोग कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहां पर देखिए ये जो क्वेश्चन है, जब एज का चैप्टर जब हम पढ़ाए थे, तो एज का चैप्टर में आप सभी को सिखाए थे कि जब 3
का कंपैरिजन होता है जिसका रिलेशन दोनों के साथ होता है उसको बीच में रखते हैं। यहां पर देखिए सी की आई बी की आई से 20% अधिक है, चलिए, और बी की आई ए की आई से 25% अधिक है। तो बी का रिलेशन दोनों के साथ है, एक का सी और ए के साथ है, है ना, बी का रिलेशन सी के साथ भी है और ए के साथ भी है, इसलिए बी को रखेंगे बीच में, है ना, और ए को साइड कर देते हैं, सी को इधर कर देते हैं। तो यहां पर देखिए सी के आई बी के आई से 20% अधिक है, तो सी की आई बी के आई से 20% अधिक है, है ना, तो 20% अधिक है तो ये कितना हो जाएगा, 120 होगा, ये 100 होगा, है ना। इसको रेशियो में भी लिख सकते हैं, इसको रेशियो में भी लिख सकते हैं। तो यहां पर एक चीज और समझिए, आप लोग ये अभी आप लोग उतना कॉन्फिडेंट नहीं है इसलिए इसी तरह से बताते हैं। जो पहले है सी की आई बी की आई से 20% अधिक है, तो सी और बी को पहले कर देते हैं, सी बी और ए इधर कर देते हैं। तो सी और बी का पहले दिया हुआ है तो पहले लिख लेते हैं, सी की आई बी की आई से 20% अधिक है, यानी ये अगर 100 है तो ये 120 होगा, है ना। इसको रेशियो में लिख सकते हैं, 20 25 100 20 6 120 6 5। और बोला गया है कि बी की आई ए की आई से 25% अधिक है, 25% अधिक है मतलब क्या हो गया, 25% मतलब 1/4, तो 4 भाग में से 1 अधिक है, तो यानी 5 होगा इधर और ये 4 होगा, ऐसे भी सोच सकते हैं, लेकिन आप सभी को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए ये भी करते हैं। अरे यार, यहां पर ये जो था, यहां पर था कितना, 100 अगर है इससे 25% अधिक है तो 125, 25 चौके 25 पचे 5:4 आया ना, तो ये जो रेशियो आया 6:5 और 5:4 इसको माइंड से भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे ये देखिए, अब तो रेशियो ला दिए, कैसे लाए तो समझ में आया, लेकिन शॉर्ट में कैसे हम लोग लाएंगे वो देखिए, शॉर्ट में कैसे लाएंगे। शॉर्ट में लाने का तरीका, सी के आई बी के आई से 20% अधिक है, 20% अधिक है मतलब 120 होगा और 100 होगा, है ना, 120 होगा और 100 होगा, तो आप समझ रहे हैं कि 20 पच्चे और 20 छक्के, क्लियर। फिर यहां पे बोला गया है कि सी के आई ए के आई से, सॉरी, बी के आई ए के आई से 25% अधिक है, 25% मतलब 1/4, 4 भाग में से 1 भाग अधिक है, तो बी जो है 1 भाग अधिक है 4 भाग में से, तो ये 5 होगा। और रेशियो जब एज चैप्टर आप पढ़े हैं तो ये जिग जैग मेथड आप जानते ही हैं, लेकिन अगर ये दोनों में अगर इक्वल हो तो जिग जैग भी यूज करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 6:5:4 उतार देना होता है। ये मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, जो एज चैप्टर पढ़ चुके हैं उसको ये जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी जानते हैं आप। अब देखिए यहां पर 6:5:4 आ गया, तो यहां पर बताना है कि सी की आई ए की आई से कितने प्रतिशत अधिक है, तो सी की आई ए की आई से कितना अधिक है, 2 अधिक है, कितना में से, 4 में से, परसेंट में लाने के लिए 100 से गुना, या फिर ऐसे भी देख सकते हैं कि कितना अधिक है, तो 50% अधिक हो रहा है ना, तो डायरेक्ट भी बोल सकते थे या सॉल्व करके भी बोल सकते थे। तो आसानी से समझ गए ना कि कितना प्रतिशत अधिक है, तो 50% अधिक है, 2 अधिक है 4 से, तो 4 का हाफ होता है 2, यानी 50% होता है, तो 50% अधिक हो रहा है ना। चलिए ये आप समझ गए, ये था बेसिक 4, अब आप सीखेंगे बेसिक 5 का पार्ट। बेसिक 5, ये रहा बेसिक 5 का सवाल, फर्स्ट क्वेश्चन, है ना, ये क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे। कहता है दो संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या से 50% और 20% ज्यादा है, दो संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या से 50% और 20% ज्यादा है। तो देखिए, है ना, दो संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या से, तो दो संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या से, तो तीसरी संख्या मान लीजिए पहला दूसरा तीसरा ये है, दो संख्या पहला संख्या ये दूसरा संख्या, तो तीसरी संख्या से 50% और 20% ज्यादा है, इससे ये 50% ज्यादा है और इससे ये 20% ज्यादा है ना। ये बोला गया है
कि दो संख्याएं यानी पहली संख्या और दूसरी संख्याएं तीसरी संख्या से, एक जो है पहले 50% है तो पहले वाला को 50 दिए, बाद में 20 है इसलिए बाद वाला को, है ना, ये कंसेक्यूटिवली रिस्पेक्टिवली दिया हुआ है, इसका मतलब क्रमशः है, ठीक है। तो अगर ये 100 होगा तो इससे 20% अधिक है तो ये 120 होगा, और इससे 50% अधिक है तो ये 150 होगा। ये हम रेशियो के टर्म पे ला दिए। अब बोलता पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, अगर यहीं पर इसको हम रेशियो के टर्म पे अगर ला देते हैं, इसी को रेशियो के टर्म पे अगर हम ला देते हैं तो ये हो जाएगा आपका 0 0 0 कैंसिल हो गया, है ना, अब तो ये नहीं कटेगा तीनों। तो यहां पर अब इस पर बात करते हैं, आया है यहां पे 15, यहां पे 12 और यहां पर 10, ये रेशियो है। बोला गया पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। अब याद कीजिए पहले जो शुरुआत में जो कॉन्सेप्ट सिखाए थे, पहली संख्या 15, दूसरी संख्या का जिसके साथ का लग गया उसको नीचे, तो जिसके साथ का लग गया यानी यहां पर दूसरी कितना दूसरी संख्या के साथ कंपेयर कर रहा, तो दूसरी संख्या 12 और परसेंट में लाने के लिए 100 से गुना, 3 4 12 3 5 15, 4 से इसको कटेंगे तो 25 बार में यानी 125% है, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। पहली संख्या दूसरी संख्या कितना प्रतिशत है तो 125% है, ठीक है। अब यहां पर देखिए ये चीज और समझ सकते हैं इसी को, और एक ये तो नॉर्मल मेथड हो गया, इसी को थोड़ा सा और शॉर्ट में भी समझ सकते हैं। अगर आपका कॉन्फिडेंस बोलता पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, तो पहले फ्रैक्शन में देख लेते, 3 4 12 3 5 15 यानी 5/4, 5/4 भाग में से एक भाग ज्यादा है, एक भाग ज्यादा है ना। तो यहां पे बोलता है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, तो ये चार जो है, ये चार 1/4 क्या होता है, 1/4 25% होता है, और उसी से चार भाग है और ये पांच भाग है ना। तो यहां पर एक भाग बराबर 25 तो पांच भाग बराबर 125, है ना। तो इस तरह से शॉर्ट में आप कर सकते हैं, जब प्रैक्टिस कीजिएगा तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि 1/4 तो 25% होता है, एक भाग 25%, पांच भाग बराबर 125% हो जाएगा। तो ये आप प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। चलिए अब इसी पर बोलता है दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है, दूसरी संख्या कितना है 12, पहली संख्या कितना है 15, परसेंट में लाने के लिए 100 से गुना, है ना, 3 4 12 3 5 15, 5 से 5 2 10 0 यानी 80% है, आंसर क्या होगा 80%। फिर बोला गया है यहां पर देखिए थोड़ा सा ऊपर करेंगे क्वेश्चन को, फिर देखिए ये तीसरा क्वेश्चन जो दिया हुआ है बोलता है कि पहली संख्या, है ना, पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है, पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। तो यहां पर देखिए आप बनाएंगे कैसे इसको, अरे यार मिट क्यों नहीं रहा, ये क्वेश्चन था, ठीक है, दिया हुआ था। यहां पे फिर से मैं कर देता हूं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ठीक है। तो यहां पर ये कितना था, इससे ये 100 था, ये 120 था, ये 150 था, है ना, रेशियो बन गया था 15:12:10 आ गया था। अब यहां पे बोला गया पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है, तो कितना अधिक है, 3 अधिक है, किससे, 12 से, परसेंट में लाने के लिए 100 से गुना, किससे कंपेयर कर रहा था, देखिए पहली संख्या किससे, दूसरी संख्या से जिसके साथ रहेगा उसको नीचे, तो 12 के साथ यहां पे दूसरी संख्या के साथ से लगा था, तो दूसरी संख्या को नीचे कर दिए। यहां पे अधिक कम का बात कर रहा है इसलिए अधिक कम यहां पर किए, 3/20 को सॉल्व करेंगे, 3 4 12 यानी सॉल्व करेंगे तो 25%, यानी पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है, तो 25% अधिक है। एक सवाल और है इसमें कि दूसरी संख्या,
दूसरी संख्या है ना पहली संख्या का, पहली संख्या का, पहली संख्या का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। तो दूसरी संख्या पहली संख्या का अगर पूछा जाए तो दूसरी सॉरी कितना प्रतिशत कम है होगा यहां पर, कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रति कितना प्रतिशत कम है ना। तो कितना प्रतिशत कम है तो पहले देखेंगे कि दूसरी संख्या इससे ना, तो दूसरी संख्या कितना कम है इससे, तीन कम है, किससे, 15 से। अब परसेंट में लाने के लिए 100 से गुना, 3 से 3 पचे 15, 5 से 5 दम 10 जीरो, यानी 20 प्रतिशत कम है। ठीक है, चलिए उम्मीद करेंगे कि फ्रेंड्स आपको ये समझ में तो आ गया होगा। चलिए क्योंकि पहले से ही इस टाइप के कॉन्सेप्ट को क्लियर कराते आया हूं, है ना। चलिए अब इसी पर बेस्ड आपके लिए ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस रहेगा। अब जो क्वेश्चन होगा आपके सामने ये क्वेश्चन, चलिए ये देखिए क्वेश्चन को बनाना है आप सबके लिए। बोला गया है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 25 प्रतिशत और 20 प्रतिशत कम है, तो पहले इसका फिगर बनाएंगे, है ना, पहला दूसरा और तीसरा। दो संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 25 प्रतिशत और 20 प्रतिशत कम है, अगर ये 100 है तो इससे पहले वाला 25 प्रतिशत कम है और दूसरा वाला 20 प्रतिशत कम है। तो 100 है तो ये 75 होगा और ये 80 होगा क्योंकि इससे 20% कम है। अब इसको अगर हम लोग अगर शॉर्ट में करते हैं तो ऐसा भी शॉर्ट में कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, काट भी सकते हैं। यहां पे बोला पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, यहां पर अधिक कम का बात नहीं कर रहा, सिर्फ डायरेक्ट बोल रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो पहली संख्या कितना है 75, दूसरी संख्या का, दूसरी संख्या के साथ का लग दिया, कंपेयर इससे कर रहा है, तो दूसरी संख्या नीचे और परसेंट में लाने के लिए 100 से गुना, यहां पर 20 चौके 80, 20 पच्चे 100, यहां पर हम लोग गुना करेंगे, 5 पच्चे 25, 7 पच्चे 35 और 1 36 37 डिवाइडेड बाई 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 9 36, 1 15, 4 3 12, है ना, फिर 4 7 28, 4 5 20, यानी 93.75% होगा, है ना। तो उम्मीद करेंगे फ्रेंड्स इस टाइप का क्वेश्चन तो आप समझ गए होंगे। चलिए अब जो आपके सामने क्वेश्चंस रहेगा टाइप बेसिक 6 चलेगा, है ना, अब जो चलेगा वो होगा बेसिक, है ना, 6 होगा। बेसिक 6 में आपका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, है ना, उम्मीद करेंगे आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए अब आपके लिए बेसिक सवाल लेकर के आते हैं, जो आपके लिए सबसे बेसिक है ये आपके लिए, जो ये वाला ये क्वेश्चन, एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 10 से गुना करने के स्थान पर इसे 3 से गुना कर दिया, है ना, एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 10 से गुना करने के स्थान पर इसे 3 से गुना कर दिया, तो परिकलन में त्रुटि प्रतिशत बताना है, है ना। तो यहां पर त्रुटि परसेंट कैसे बनाएंगे, तो देखिए कोई नंबर था, उस नंबर को 10 से गुना करना था, लेकिन गुना उस नंबर को किससे कर दिया, 3 से गुना कर दिया, तो एरर परसेंट बताना है। तो 10 के जगह पे 3 से गुना किया तो कितना गलत कर दिया, तो 7 कम कर दिया, मतलब 7 रॉन्ग किया, 7 गलती कर दिया, 7 कम कर दिया गुना, यानी एरर कितना हुआ है 7, उसको प्रतिशत में बदलना है। तो हम आप लोगों को क्या सिखाए हैं कि जिससे कंपेयर करता है ना उसको नीचे लिखते हैं, तो यहां पर किससे कम गलती किया है 10 से, किसी संख्या को 10 से गुना करने के स्थान पर कंपेयर किससे कर रहा है, 10 के जगह पे 3 गुना किया है,
है ना, 10 के जगह पे 3 से गुना किया, कितना गलत कर दिया, 7 गलत कर दिया, किससे, 10 के जगह पर, इसलिए 10 को नीचे करेंगे, जिससे तुलना करते हैं, जिससे कंपेयर करते हैं उसको नीचे लिखेंगे, परसेंट में लाने के लिए 100 से गुना कर देंगे, 0 0 कट गया, 70% एरर हो, है ना, 70% एरर आंसर ये होगा। ठीक है, आपका प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस के लिए और मैं क्वेश्चन कराता हूं, अभी टेंशन नहीं लीजिए। चलिए अब देखिए, ये सवाल है दूसरा नंबर, बोलता है एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 20 से गुना करने के स्थान पर 15 से गुना कर दिया। सेम चीज है, प्रैक्टिस के लिए आपके लिए दिए हैं। देखिए इसको क्या करेंगे, कोई नंबर था उसको 20 से गुना करने के स्थान पर उस नंबर को 15 से गुना कर दिया, तो कितना एरर कर दिया, 5 एरर कर दिया। 5 किया किससे, 20 से गुना करना था ना, और परसेंट में लाने के लिए 100 से गुना कर दिए, 20 से 20 25 100 यानी 25%, यानी इसमें त्रुटि परसेंट कितना हो गया, 25%, समझ में आया। चलिए अब देखिए, अगर ये फ्रैक्शन में रहे तो, जैसे सवाल आपके सामने है, सवाल आपके सामने है, इसको लास्ट में, इससे पहले एक और, ये सवाल देखिए, कहता है कि एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 4/5 से गुना करने के स्थान पर 4/15 से गुना कर दिया, है ना, तो अब फ्रैक्शन में दे रहा है, कोई बात नहीं है, नंबर को 4/5 से गुना करना था लेकिन उसी नंबर को 4/15 से गुना कर दिया, तो गुना करना था इससे लेकिन कितना एरर हो गया, तो ये दोनों का डिफरेंस ही ना होता था, लास्ट टू पॉइंट जो अभी बताया वहां पर दो, यहां पर दोनों के बीच में डिफरेंस को लिख रहे थे, यहां पर फ्रैक्शन में है तो 4/5 और 4/15 का डिफरेंस क्या होगा, तो यहां पर 15 होगा, 5 × 15 यानी 12 और 5 से एक बार में यानी 4 यानी 8/15 का डिफरेंस हो रहा है, तो ये 8/15 क्या हुआ, एरर हुआ, इसको प्रतिशत में बदलेंगे तो 8/15 जो होगा, ये 8/15 किससे, ये 4/5 से गलत किया है ना, तो 8/15 को 4/5 से डिवाइड करके और परसेंट में लाने के लिए 100 से गुना करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 नीचे चला जाएगा 15, ये 5 चला जाएगा ऊपर, और ये 4 × 100, 5 × 5 = 15, 4 × 4 = 8, 200/3, 200/3, अब 200/3 आप मतलब जान गए हैं कि 66.66% होता है, है ना, यानी आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर बी, 66.67। चलिए अब ये समझ में आ गया होगा कि फ्रैक्शन में करना क्या है, आपके प्रैक्टिस के लिए मैं एक सवाल देता हूं, है ना, चलिए आपका प्रैक्टिस हो जाएगा कि कैसे बनाना है। चलिए ये रहा सवाल, और इस सवाल को देखिए आपको बनाना कैसे है, बोला गया एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुना करने के स्थान पर इसे 3/5 से गुना कर दिया, है ना, तो नंबर था, नंबर को, है ना, 5/3 से गुना करना था लेकिन नंबर को गुना कर दिया 3/5 से, तो पहले डिफरेंस लिखेंगे, तो 5/3 − 3/5 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो देखिए 5 × 15 हो जाएगा, 3 × 5 = 15 यानी 25 माइनस 5 × 15 यानी 9, यानी इक्वल टू हो जाएगा ये 25 में से 9 गया तो 16 × 15, इसको परसेंटेज में बदलना है, 16/15 क्या हुआ, इसका डिफरेंस आया, तो 16/15 को परसेंटेज में बदलेंगे प्रतिशत एरर में, तो इससे न गुना करना था, तो 16/15 को
पांच बटा तीन से कंपेयर करेंगे और परसेंट में लाने के लिए 100 से गुना, यानी 16 बटा 15 ऊपर में चला जाएगा, 3 नीचे 5 इंटू 100। 5 से 5 दोनों 20 बार में, 3 से ये 5 बार में, 5 से ये 4 बार में, 16 चौके 64% एरर होगा, है ना। तो ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए, अभी तक आपके लिए कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब जो आपका सेक्शन आएगा वो सेक्शन होगा बेसिक मिसलेनियस, जिसमें कहीं से भी कुछ भी मैं मिस उठा करके दिया हूं। अभी तक जो बेसिक पार्ट आपने कंप्लीट किया है ना, ये बेसिक पार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से जरूर रिविजन कीजिए। कैलकुलेशन आपका फास्ट होगा, एग्जाम क्रैक करना है तो कैलकुलेशन भी एक जो एग्जाम निकालते हैं उसका एक पार्ट होता है, इसलिए स्पीड मेंटेन करने के लिए आपका ये कमांड होना जरूरी है। परसेंटेज में छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिएगा, तभी जाकर के आप बड़े मंजिल को हासिल कीजिएगा। तो आपके लिए ये, मैं चाहता तो स्किप कर सकता था ये टॉपिक को और डायरेक्ट टाइप वाइज क्लास क्वेश्चन दे सकता था, लेकिन इतना क्वेश्चन मैंने क्यों कराया, ताकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन बनाने से पहले। अब जैसे बेसिक मिसलेनियस में भी क्वेश्चन जो दिया हुआ है, देखिए यहां पर आपका बेसिक मिसलेनियस का बात करते हैं, है ना। अब मिसलेनियस पार्ट का जो है, है ना, बेसिक मिसलेनियस, सॉरी बेसिक बेसिक मिसलेनियस पार्ट का, है ना, बेसिक मिसलेनियस पार्ट्स का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है, देखिए आपके स्क्रीन पर मैं ला दे रहा हूं, ये रहा, है ना, 5% का 5% ज्ञात करें, बहुत इजी है। 5% का 5% का 5% का 5%, इसको दो तरीका से बना सकते हैं। एक कर सकते हैं आप, जैसे 5% है यानी 5/100 गुने का माने गुने 5/100 यानी इक्वल टू 5 × 25 डिवाइडेड बाई 1, 2, 3, 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 0.0025 होगा, तो 5% का 5% बराबर 0.0025 होगा। अगर बात करते हैं इसको अलग तरीके से, तो 5% का मतलब होता है 1/20, है ना। कैसे समझेंगे, तो 5% को हटाएंगे तो 100 से गुना, 5 × 5 = 5, 5 × 2 = 10, 0 = 20, 1/20 का माने गुना फिर 1/20, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/400, है ना। तो ये जो 1/4 है ना, 1/4 का मतलब क्या होता है, 0.25 डिवाइडेड बाय यहां पर 100 होगा ना, 400 को हम लोग 400 एक बार में करेंगे, यहां पर हम लोग 0.25 होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पे 0.0025 हो जाएगा। तो जैसे आपको अच्छे से समझ में आए वैसे पार्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको ये फ्रैक्शन मेथड भी जानना जरूरी है, आगे चल करके बहुत यूज करूंगा। चलिए आगे सवाल देते हैं, अब जो क्वेश्चन है, ये रहा सवाल, ये क्वेश्चन को देखिए, बोला गया है यदि 80% के एक्स प्रतिशत का 80% के x% एक्स परसेंट मतलब एक्स बाय 100 गुने का वाई प्रतिशत यानी वाई बाय 100। क्या बोला गया, ध्यान दीजिए यहां पर समझना जरूरी है, 80 के एक्स प्रतिशत का वाई प्रतिशत, तो 80 का माने गुना एक्स बाय 100 का वाई परसेंट मतलब वाई बाय 100 इक्वल टू 900 का 25% के बराबर है। तो 900 का 25% मतलब होता है 1/4, अभी बताए 25% मतलब
25/100, 25 एकम 25, 25 चौके 100। ये आप लोगों को वैल्यू याद रखना जरूरी है, आगे चल करके ये सब यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे 1/4 25%। मतलब तो यहां पर देखिए 4 से इसको सॉल्व करेंगे तो 4 × 2 = 8 है ना, फिर 4 × 2 = 8 ठीक है, फिर 4 देखिए यहां पर 4 × 4 = 8 फिर 1 × 0 = 10 फिर 4 × 2 = 8 फिर 4 × 2 = 8 4 × 2 = 8 आएगा यहां पर। अभी काटे कि नहीं, चलिए अभी नहीं काटते हैं, अभी नहीं काटते हैं है ना, क्वेश्चन को फिर से ला देते हैं। यहां पे 900 × 1/4 था, यहां पर देखिए 20 × 4 = 80 20 × 5 = 100 4 से ये इसको काटेंगे तो 4 से ये 25 बार में है ना, तो xy का जो वैल्यू आएगा, xy का जो वैल्यू आएगा 900 × 5 × 25 / 4 ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वैल्यू आएगा 28125 ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए अब देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये सवाल देखिए छोटा छोटा क्वेश्चन है, क्यों मैं करा रहा हूं तो ताकि मुझे आपको बहुत स्ट्रांग बनाना है। कहते हैं 498 किस संख्या से 17% कम है, 498 किस संख्या से 17% कम है, तो 498 जो भी संख्या से कम है तो किस संख्या से कम है 17% कम, अगर जो भी संख्या है कोई भी संख्या 100% होता है, अगर उससे अगर ये 17% कम है, ये 498 बोला गया है कि किस संख्या से 17% कम है, तो ये जो 100% है उससे ना 17% कम है, तो 100% निकालेंगे तो ये कितना परसेंट होगा ये पहले फाइंड करेंगे, तो 100% से 87% कम है तो 83% है। अच्छे से समझ लीजिए 498 किस संख्या से 17% कम है, तो 498 जो भी संख्या से होगा वो संख्या तो 100% होगा और उससे 17% कम है तो मतलब 83% है परसेंटेज में और संख्या में 498, यानी 498 जो है हम आपको पहले भी बताए हैं बेसिक पार्ट में जो टोटल होता है उसको नीचे लिखते हैं, तो यहां पर ये 83% है, तो 498 अगर 83% है तो 83 को नीचे देंगे, वो संख्या बताना है तो संख्या तो 100% है तो 100% में कन्वर्ट कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 8 से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको काटेंगे 8 × 6 = 48 6 बार में ये कट जाएगा है ना, 8 × 6 = 48 480 और 18 × 4 = 98 कट जाएगा, यानी 600 होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए समझ गए, ये छोटा छोटा कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी है आप लोगों के लिए, आज ही भर सिर्फ लास्ट बेसिक है, उसके बाद तो चैप्टर पे चलेंगे। अब जो क्वेश्चन है वो देखिए, अब जो सवाल है आपके सामने ये रहा सवाल, कहता है ना कि 1% के आधे का दशमलव के रूप में लिखा जाए, बताइए 1% का आधे का दशमलव के रूप में लिखा जाए, तो 1% का आधा, तो आधा मतलब 1/2 एक है ना, एक का हाफ यानी 2 से भाग दे देंगे तो एक का हाफ परसेंट है ना, तो आधा परसेंट को दशमलव के रूप में लिखना है, तो परसेंट को हटाएंगे तो यहां पे 1/2 को हम लोग लिख सकते हैं। देखिए ऐसे समझिए 1% के आधे का दशमलव, 1% का मतलब हो गया 1% का आधा, 1% का आधा मतलब 0.5%, समझ सकते हैं। अब इसी को दशमलव के रूप में लिखना है तो दशमलव के रूप में लिखना है तो परसेंट को हटाएंगे तो 100 से भाग देंगे, तो यहां पे ऑलरेडी एक डिजिट के बाद था, 2 डिजिट और आएगा तो 0.005, यानी आंसर होगा आपका सी आंसर ठीक है,
यहां पर परसेंट को हटाए 100 से भाग दिए, एक पॉइंट तो पहले ही था तो और घसका दिए, तो यहां पर 0.005 आया। ये छोटा छोटा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्या पता कहां पर कौन सा चीज आ जाए, है ना। चलिए अब जो सवाल है आपके सामने, अब सवाल रहेगा आपके सामने ये, ये रहा, कहता है ना कि यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 60% लड़के और लड़कियों की, और लड़कियों 60% लड़के हो और लड़कियों की संख्या 972 हो तो विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं। देखिए एकदम बेसिक सवाल है, दिमाग से सोचना है कि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 60% लड़के हैं, है ना, 60% लड़के हैं, 60% अगर लड़के हैं, टोटल 100% होता है, इसमें बॉयज और गर्ल्स में बांटते हैं, अगर ये 60% है तो गर्ल्स 40% होगा, और दिया हुआ लड़कियों की संख्या 972, यानी 972 जो है ये 40% है, पहले भी बताया जो रहता है उसको नीचे रखते हैं तो ये 40% है। कुल कितने लड़के थे विद्यालय में, कुल कितने लड़के हैं, तो लड़के कितना है 60% है, तो 60 में कन्वर्ट कर देंगे, विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं तो लड़की तो 60% है तो 60 में कन्वर्ट करेंगे, तो 20 × 40 20 × 60, 2 से 100 काटेंगे तो 2 × 4 = 8, 2 × 8 = 16, 2 × 6 = 12, 6 × 3 = 18, 8 × 3 = 24 और 1 = 25 और 4 × 3 = 12 और 13 = 14, 1458, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। क्लियर, ये छोटा छोटा बेसिक सीखना, अभी चैप्टर तो आगे जाएंगे ही, हम आपके लिए हमेशा मेहनत करेंगे, आप सिर्फ रिवीजन कीजिए, जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं आप रिवीजन कीजिए, आपका काम है सिर्फ रिवीजन करना, पढ़ाना तो मैं पढ़ाऊंगा ही। अब जो सवाल है आपके सामने वो सवाल रहेगा आपके लिए, ये रहा, चलिए देखिए आपके जो पीडीएफ फॉर्मेट में जो मैंने दिया है पहले ही, आपके सभी क्वेश्चंस में नहीं बनाऊंगा, जो जो बताने की जरूरत है मैं उसी को बताऊंगा, क्योंकि यहां पर 21 पेज का पीडीएफ है और हर क्वेश्चंस को बनाना संभव नहीं है, लेकिन आपसे हर क्वेश्चन बन जाए उसके लिए हम हैं, है ना। तो आप एकदम ध्यान से सोचिए कि कौन कौन सा क्वेश्चन मैं कराया और कौन कौन सा छोड़ा हूं, आपको खुद से बनाना है, आंसर शीट लास्ट में है, फिर भी नहीं कुछ बने तो डिस्कशन ग्रुप में क्वेश्चन भेज दीजिएगा। किसी संख्या के 57% में 86 जोड़ने पर संख्या प्राप्त होती है तो संख्या क्या है। किसी संख्या के 57% में, तो किसी संख्या मान लीजिए कोई भी संख्या क्या होता है 100% के 57% में क्या जोड़ रहे हैं तो 86 जोड़ दे रहे हैं, तो संख्या प्राप्त हो जा रहा, मतलब यह संख्या प्राप्त हो जा रहा है। तो अगर 57% में परसेंटेज में कितना जोड़ेंगे कि 100, क्योंकि संख्या तो क्या है, संख्या 100% होगा, कोई भी संख्या क्या होता है 100% होता है, तो 57% में प्रतिशत कितना जोड़ेंगे कि 100% संख्या हो जाए, यानी 100% हो जाए, है ना। कोई भी संख्या 100% होता है उसका 57% में 86 जोड़ा है, ये परसेंटेज में नहीं, एग्जैक्ट वैल्यू दिया हुआ है, तो जब एग्जैक्ट वैल्यू दिया हुआ है तो 57% में कितना प्रतिशत जोड़ेंगे कि 100% हो जाएगा, तो 43% जोड़ेंगे, और 43% बराबर यही दिया हुआ है 86, तब तो जाके इसको जोड़ने से ये हो जा रहा है, इसको जोड़ने से संख्या प्राप्त हो जा रहा है, इसका मतलब 43% बराबर ये है, तो 86 जो है वो 43% है, तो संख्या बताना, तो संख्या तो 100%, 83 × 46 यानी संख्या है आपका 200, ऑप्शन नंबर बी। तो ये जब छोटा छोटा क्लियर कीजिए ना, उसके बाद देखिए ना कितना मजा आएगा, परसेंटेज खिलौना बन जाएगा। चलिए अब आपके पास सवाल रहेगा,
सवाल कौन सा है? अब सारा हो गया है। ये तो 17 है लास्ट में, ये है। तीन बटा पांच भाग, ये रहा सवाल। चलिए, अब इससे पहले जो भी क्वेश्चन हम छोड़े हैं उस सबको अपने से बनाइएगा, क्योंकि आप बना लीजिएगा। अब कहता है कि एक सवाल है यहां पर, कहता है कि किसी संख्या के 3/5 भाग में से संख्या का 40% घटाने पर 140 प्राप्त होता है, तो संख्या का 50% क्या होगा? तो कोई संख्या है, कोई संख्या मान लीजिए कि एक्स है, और उस संख्या का 3/5 भाग में से, उस संख्या का 3/5 भाग में से, है ना? इसको एक और तरीका हम समझाते हैं, बहुत शॉर्ट में। 3/5 भाग का मतलब क्या हुआ? 3/5 भाग का मतलब क्या हुआ? 60% होता है, ये आप जानते होंगे। 3/5 का मतलब क्या? परसेंट मिलाने के लिए 100 से गुना, 5 से 5 दुने 10, यानी 20 या 60% हो रहा है ना। क्यों हम 60% लिखे? क्योंकि यहां पर देखिए 3/5 भाग में से संख्या का 40% घटा रहे, तो ये है फ्रैक्शन में और ये है परसेंटेज में। या तो इसको परसेंटेज में फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए, या तो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कीजिए। तो 3/5 भाग मतलब जानते हैं कि 60% होता है, और उसमें 40% घटा रहे हैं तो 140 प्राप्त हो रहा है। किसी संख्या का 3/5 भाग, यानी 60% में से 40% घटा रहे हैं तो 140 प्राप्त हो रहा है, तो इसका मतलब है कि 20% हो रहा है डिफरेंस। तो डिफरेंस अगर 60% से 40% घटा रहे हैं तो 140 प्राप्त हो रहा है, मतलब 20% बराबर 140। तो संख्या का 50% क्या होगा? तो यहां पर तुम लोग डायरेक्ट कर सकते, 140 जो है अभी 20 है, 50% फाइंड करना है, ऊपर लिख दिए। इसको देखिए बार बार ऐसा प्रैक्टिस क्यों करा रहे, ताकि आपको बहुत कॉन्फिडेंस आ जाए इस टाइप के सॉल्व करने में। 2 से काटेंगे, 2 7 0 7 5 35, 350, यानी आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल रहेगा आपका ये, ठीक ये रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी सवाल। देखिए एक नगर में 1000 निवासियों में से 60% पुरुष है। एक नगर में 1000 निवासियों में से 60% पुरुष है, जिनमें से 20% साक्षर है, जिसमें से 20% साक्षर है, 60% पुरुष था, उसमें से 20% साक्षर है। यदि सभी निवासियों में से 25% साक्षर है, तो नगर में कितने प्रतिशत महिलाएं साक्षर है? ये सवाल है। तो सवाल को बनाना कैसे है ये देखिए। नगर में 1000 है, 1000 में आपको बोला गया है कि 60% जो है वो मेल है, तो 60% इसका कितना होगा? 600 होगा, तो बचा 40% क्या होगा? फीमेल होगा। तो फीमेल कितना होगा? तो फीमेल होगा आपका 400। बोला गया था ना 1000 निवासियों में से 60% पुरुष है ना, तो 60% पुरुष है, तो रेस्ट क्या होगा? फीमेल। अब जिनमें से 20% साक्षर है, उस 60% पुरुष से, उसमें से अगर 20% साक्षर है, एजुकेटेड है ना, एजुकेटेड है, ठीक है, तो इसका 60% 20% 120 होगा। तो 600 पुरुषों में से 120 अगर साक्षर है, और यह भी बोला गया है यदि सभी निवासियों में 25% साक्षर है, तो नगर में कितने प्रतिशत महिलाएं साक्षर है? तो पहले कितने महिलाएं साक्षर है वो निकालेंगे, उसके बाद महिलाएं प्रतिशत साक्षर प्रतिशत निकालेंगे। तो टोटल महिलाएं 400, कितना एजुकेटेड है ये कैसे फाइंड करेंगे, है
है ना। एजुकेटेड कैसे फाइंड करेंगे, साक्षर कितने हैं ये कैसे फाइंड करेंगे महिलाओं का, तो टोटल साक्षर देखिए इसका टोटल एजुकेटेड टोटल साक्षर जो है वो है इसका 25%, 25% मतलब 250, और इसमें से 120 तो पुरुष साक्षर है, तो 120 पुरुष साक्षर माइनस कर देंगे तो 250 में 120 माइनस कर देंगे तो 130 जो है वो साक्षर है क्या फीमेल एजुकेटेड है। तो कहता है कि नगर में कितने प्रतिशत महिलाएं साक्षर हैं, नगर में कितने प्रतिशत महिलाएं साक्षर है, तो महिलाएं तो 400 है तो उसमें से 130 साक्षर है, तो 130। अब बताइए यहां पर कॉन्सेप्ट पहले क्लियर कराए थे कि जिसको बोला जाएगा उसको ऊपर और जिससे कंपेयर करेगा उसको नीचे, यहां पर क्या बोला नगर में कितने प्रतिशत महिलाएं साक्षर है, तो महिलाओं को बोला जा रहा तो महिलाएं साक्षर कितना है 130 इसलिए ऊपर रखे, किससे कंपेयर कर रहा है तो नगर में कितने प्रतिशत महिलाएं, कितने प्रतिशत महिलाएं साक्षर है तो महिलाएं तो 400 यानी 40% है, तो उसमें हम लोगों को बताना है कि कितने प्रतिशत महिलाएं साक्षर है, तो 400 में से 130 साक्षर है, 00 कैंसिल, यहां पे 00 हो गया, ये भी 00 कैंसिल, 2 से 2 4, 2 से 2 5 10 है ना, यहां पर 13 5 65 डिवाइडेड बाय 2 यानी 32.5% ये होगा आपका आंसर। इसमें ये ऑप्शन गलत है ना, ये ऑप्शन गलत है, इस ये ऑप्शन नहीं होगा, आंसर ये है 32.5% है ना। नगर में कितने प्रतिशत महिलाएं साक्षर है, तो महिलाएं 130 है, कितना में से 400 में से, परसेंट निकाल दिए, क्लियर। चलिए ये आप समझ गए होंगे, अब देखिए नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल चलते हैं। ये देखिए दिया हुआ है क्या, दो संख्याओं का योग 120 है, यानी दो संख्या है, एक संख्या प्लस दो संख्या, ये दोनों संख्या का योग 520 है, इसको दो भाग में बांटा, यदि उनमें से बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया गया और छोटी संख्या को 12% बढ़ा दिया गया तो प्राप्त संख्याएं एक समान हो जाती है। तो दो संख्या मान लीजिए, पहला को अगर हम x मान लिए है ना, दूसरी संख्या को इसको हम लोग बड़ी संख्या मान लेते हैं, ऐसा करते हैं ना कि पहला संख्या को बड़ी मान लेते हैं और इसको छोटी मान लेते हैं, ठीक है, छोटी मान लेते हैं, बड़ी को x मान लीजिए, छोटी को y मान लीजिए, ठीक है, या फिर छोटी संख्या ऐसे निकल सकता है, बड़ी संख्या अगर x है तो छोटी संख्या 520 माइनस x होगा, ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि दोनों संख्या का योग 520 है, अगर बड़ी संख्या को अगर x मान लीजिए तो छोटी संख्या क्या होगा, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो छोटी संख्या निकल जाएगा। अब ये बोला गया है ना कि उनमें से बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया गया, तो बड़ी संख्या x है, जो भी संख्या होता है अपने आप में 100% होता है, इसमें अगर 4% कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा 96, और जो वैल्यू है ना वो किसके बराबर होगा, तो दूसरी संख्या यानी छोटी संख्या से 12% बढ़ा देने के बाद यानी 520 माइनस एक्स और इसमें 12% बढ़ा देंगे, 100 से 12% बढ़ा देंगे तो 112 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर देना है, 00 कैंसिल हो गया है ना, अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये होगा 96x और इधर गुना करेंगे तो देखिए काफी लंबा हो जाएगा, गुना करेंगे काफी लंबा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, 520 गुने 112 माइनस 112 एक्स, इसको अगर इधर करेंगे है ना, इसको इधर कर देंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा, 112 को सॉरी 200 नहीं, इसको जब इधर करेंगे तो आपका हो जाएगा 6 और 2 8
9 और एक 10 और दो 208 एक्स इक्वल टू 520 गुने 112। इसको सॉल्व करेंगे तो काटेंगे तो यहां पर देखिए 4 पच्चे 20, 4 दुने 8, 4 से 4 दुने 8, 4 अठे 32, फिर 52 से ये 10 बार में, यानी एक्स इक्वल टू 280, यानी 280 ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, है ना। तो इस टाइप से सॉल्व करना है, ये बेसिक चीज आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए अब नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। बहुत सारा सवाल किए आज, ये दोनों हो चुका है, सवाल ये रहा। बोलता है ना कि 320 के 10 प्रतिशत में कौन सी संख्या जोड़ी जाए, है ना, 320 के 10 प्रतिशत में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि 230 के 30 प्रतिशत के बराबर हो जाए। तो 320 का 10 प्रतिशत, 320 का 10 प्रतिशत तो डायरेक्ट बोल सकते हैं कि 32 होगा, एक डिजिट के बाद पॉइंट देंगे तो 32 डायरेक्ट हो जाएगा। क्या जोड़ेंगे नहीं मालूम, मान लीजिए एक्स जोड़ेंगे, किसके बराबर होगा तो 230 के 30%, 230 का 10% इसका कितना होगा 23, 30% 10% का 3 गुना यानी 69, तो 69 होगा। तो इसमें कितना जोड़ेंगे कि 69 आ जाएगा, तो इसमें जोड़ेंगे 32 माइनस कर दीजिए 9 में से 2 गया 7, 6 में से 3, यानी 37 जोड़ेंगे, 320 के 10 प्रतिशत में 37 जोड़ेंगे तो 230 के 30% के बराबर हो जाएगा। इस तरह से आसानी से इसको बना सकते थे, है ना। चलिए अब आपके लिए एक लास्ट सवाल देते हैं आज का लास्ट सवाल ये रहा। कहता है ना कि यदि संख्या x अन्य संख्या, यहां पर थोड़ा सा स्पेलिंग एरर है, अन्य संख्या y से 10 प्रतिशत कम है तथा y संख्या 125 से 10 प्रतिशत अधिक है तो x बराबर है किसका, है ना। तो देखिए यहां पर देखिए x जो है ना, x अन्य संख्या y से 10 प्रतिशत कम है, y से 10 प्रतिशत कम है, लेकिन y का वैल्यू मालूम होगा तब तो हम x का बताएंगे, और y जो है 125 से 10 प्रतिशत अधिक है, y जो है 125 से 10 प्रतिशत अधिक है, 10 प्रतिशत अधिक है, तो 125 का अगर 10 प्रतिशत बात करेंगे तो कैसे निकालेंगे। तो देखिए यहां से हम अगर सॉल्व करने जाएंगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन जाएगा, और फ्रैक्शनल मेथड से अगर बात करेंगे तो फटाफट बनाएंगे। देखिए 125 का 10% अगर बात करेंगे तो 10% कितना होगा 12.5, दो मेथड से हम आपको सिखाते हैं। 12.5 का अगर बात करेंगे तो 12.5 जोड़ेंगे तो यहां पे 1375.5 आ जाएगा, यहां पे 1375 लिखेंगे। अब उससे 10% यहां पर घटाएंगे तो इसका 10% 13.75 होगा, 13.75 घटाएंगे जो वैल्यू होगा वो आंसर होगा, 10 में से 5 गया 5, 14 में से 7 गया 7, 6 में से 3 गया 3, 2 में से 1 गया 1, और यहां पर 113.75 यहां पे 2 होगा 123.75। तो एक तरीका ये हुआ, लेकिन ये प्रोसेस बिल्कुल गलत है, आपको अलग मेथड से सीखना है। देखिए कैसे 125 से 10% अधिक है y, तो ये अभी 100 है उसको 110 में कन्वर्ट की, और इससे ये 10% कम है तो अभी ये 100 है, जो भी संख्या निकला अपने आप में 100%, इससे 10% कम है तो 100 से 10% कम करेंगे तो 90। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, अब इसको 2 0 है तो 25 25 25 चौके 100, 11 25 55, है ना, और 55 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 5 45, 9 5 45 और 4 49 बटा 4, 4 से करेंगे तो 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 0.75 आंसर ये होगा। तो ये इस तरीका को फॉलो करिए, ये तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है,
आगे चलकर इस पर फ्रैक्शन पे पूरा टाइप वाइज आगे पढ़ाने वाले हैं टाइप वाइज। तो फ्रेंड्स आप सभी में से जो भी स्टूडेंट्स अगर परसेंटेज में बेहतरीन कमांड करना चाहते हैं तो टाइप वाइज क्लासेस को रेगुलर देखिएगा और रिवीजन जरूर कीजिएगा, है ना। और हो सकता है कि ये क्लास को हो सकता है यूट्यूब पर दे दिया जाए, इसलिए जो स्टूडेंट्स हमारे पेड कोर्स में ज्वाइन करना चाहते हैं इसलिए मैं बोल दे रहा हूं फिर से कि 7070802888 ये नंबर है, इस नंबर पर ज्वाइन कीजिए। बेसिक से बिल्कुल हर चैप्टर को सिक्वेंस वाइज पढ़ाया जाता है, तो जो स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहते हैं इस पर जुड़ सकते हैं। और जो पेड कोर्स में स्टूडेंट जुड़े हुए हैं उसको मैं एक चीज बता दूं, बिल्कुल आप सिर्फ और सिर्फ रिवीजन कीजिए, आपका रिवीजन ही आपको आगे बढ़ाएगा। आप ये नहीं सोचिए कि मेरा ये बाकी है, जो हो गया है उसको समेटने का कोशिश कीजिए। और एग्जाम निकालने का सबसे सरल उपाय है, सबसे पहला टारगेट सिलेबस, दूसरा चीज प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन और तीसरा चीज मॉक टेस्ट। ये तीन इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो सिलेबस तो धीरे धीरे कंप्लीट हो ही रहा है, लेकिन रिवीजन ऐसा ना हो कि सिलेबस कंप्लीट हो गया और रिवीजन ही ना हो, इसलिए आपको बोल रहे हैं कि जो भी हो रहा है उसको रिवीजन करते चले जाइए। धीरे धीरे इधर सिलेबस भी कंप्लीट होगा, आपका रिवीजन भी कंप्लीट हो जाएगा, आपका पूरा पैरेलली बैठेगा, आपको फिर बाद में रिवीजन करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे टेस्ट सीरीज के जरिए आपको मिलते जाएगा वो, और लास्ट में मॉक टेस्ट कंप्लीट सेट जिसमें फुल लेंथ टेस्ट बोलते हैं उसको दीजिएगा, एग्जाम निकल जाएगा। सटीक तैयारी, सही डायरेक्शन जिसको बोलते हैं, सटीक तैयारी, कम पढ़िए लेकिन सटीक पढ़िए, आपका रिजल्ट होगा। तो चलिए आज इतना ही देते हैं, नेक्स्ट क्लास में टाइप वाइज परसेंटेज का चलेंगे। बड़ा टेंशन हो रहा था कि बेसिक पार्ट को कैसे खत्म करें, थोड़ा बेसिक था, चलिए कोई बात नहीं, आप सीख गए, आप में इंप्रूवमेंट आ जाए मेरे क्लासेस से तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। और मुझे खुशी होगी कि जो भी स्टूडेंट्स रेगुलर पढ़ रहे हैं अगर उसको इंप्रूवमेंट आ रही है तो मुझे बहुत खुशी होगी कि आप सभी हमसे पढ़कर इंप्रूव कर रहे हैं। चलिए आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे टाइप वाइज परसेंटेज में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।